नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल थेरेपी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जूम एप्लीकेशन में मीटिंग को शेड्यूल कैसे करें। तो आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि आप अनलिमिटेड मीटिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसी ट्रिक के बाद आज मैं आपको मीटिंग शेड्यूल कैसे करते हैं वो इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। तो यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन कर दिया है मेरे, और यहाँ पे मेरा अकाउंट आ गया है। यहाँ पे अगर मेरे को कुछ शेड्यूल करनी है मीटिंग, मैं कैसे करूँगा, तो मैं शेड्यूल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कोई भी टॉपिक आपका मीटिंग का जो भी टॉपिक है यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ सिंपल कि लेक्चर ऑन मैथ्स, मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि मीटिंग किस दिन है, मतलब कि डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका मीटिंग का टाइम आप रखना चाहो। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे ड्यूरेशन आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, वो अनलिमिटेड हो जाएगा। भले ही यहाँ पे 30 मिनट दिखाए, वो अनलिमिटेड हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन है दूसरा मीटिंग आईडी, आप जनरेट ऑटोमेटिकली वाला यूज़ करना चाहते हो या आपके जो अकाउंट के पर्सनल मीटिंग आईडी है वो यूज़ करना चाहता हो, जो भी आप चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अगर आपको अपने तरफ से कोई भी पासवर्ड रखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल एडिट कर सकते हैं जो भी आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे मैंने टेक्निकल सिंपल लिख दिया है। अभी ये ऑप्शन है होस्ट का वीडियो ऑन रखना है या ऑफ करना है, मतलब कि जब आप मीटिंग होस्ट करने जा रहे हैं, जब मीटिंग स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पे आपका वीडियो ऑन होना चाहिए या ऑफ, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि जो भी मीटिंग अटेंड करने आएंगे उनका भी वीडियो स्टार्टिंग में ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पे आप गूगल कैलेंडर थ्रू अपना शेड्यूल है वो शेड्यूल करना चाहते हैं मीटिंग, या फिर आउटलुक है अदर कैलेंडर से, जो भी आप सिलेक्ट करो वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, जिसमें यहाँ पे पहला है इनेबल वेटिंग रूम। इनेबल वेटिंग रूम का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप टिक मार्क कर दोगे तो जो भी मीटिंग के अंदर एंटर होगा उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट एंटर नहीं हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउ पर क्लिक करके उनको अलाउ करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, मतलब कि अपने मीटिंग का टाइम रख दिया है, जैसे कि यहाँ पर 6 बजे का रख दिया है, और अगर आप होस्ट नहीं कर सकते 6 बजे, कहीं बिजी है, तो अगर आपने ये सिलेक्ट कर दिया होगा तो आपने जिन जिन लोगों को लिंक भेजी है वो लोग आपको क्या करेंगे, तो वो होस्ट किए बिना ही वहाँ पर वो मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। फिर उसका ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, मतलब कि अगर कोई एंटर होता है तो उनका माइक है वो म्यूट हो जाएगा अपने आप। ओके, फिर है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर। अगर आप अपनी मीटिंग रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर दोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो शेड्यूल क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगी, तो आपको मीटिंग देखो मीटिंग्स पे दिखाई देगी। अगर आपको किसी को इनविटेशन भेजना हो तो यहाँ पे शो मीटिंग इनविटेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा ही आपको मीटिंग का जो वहाँ पे आप हमने रखा था वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। अगर आप किसी को भेजना चाहते हो तो कॉपी इन्विटेशन करके वाया मेल और व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ से आप उनको लिंक सेंड कर सकते हो, मतलब कि ये लिंक है जो कॉपी की है आपने वो आप अपने दोस्तों को या अपने स्टूडेंट को जिसको भी चाहे उसको भेज सकते हो। तो थैंक यू, ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।